बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए कितनी अच्छी दाल बनी है, तो चलिए आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक कप मूंग की धुली हुई दाल ले ली है और एक कप मसूर की दाल ले ली है। तो यहाँ पर हम दोनों दालों को चुनकर अच्छी तरह भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दाल ले ली थी, धोकर भिगो दी थी, आधा घंटा हो चुका है। यहाँ मैंने एक अदद प्याज ले लिया, बारीक काट लिए हैं, आधा चम्मच हल्दी है, 2 चम्मच लाल मिर्चे हैं, 2 चम्मच घी है और ये 1.5 चम्मच नमक है। आप अपने हसबे जायका डाल सकते हैं। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने कुकर में पानी डाल लिया है, अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। जितने मैंने मसाले आपको दिखाए थे सब डाल देंगे। अब दाल में उबाल आने का इंतजार करेंगे हम। चले, मैं अभी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। आप देख सकते हैं हमारी दाल में उबाल आ गया है, अब हम इसको 2 मिनट के लिए कुकर में लगाकर गलाएंगे। देख सकते हैं यहाँ 2 मिनट हो चुके थे, मैंने चूल्हा बंद कर दिया, अब हम यहाँ सीटी हटा देंगे। अब हम कुकर को खोल लेंगे। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी दाल तैयार हुई है। अब इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपको दाल, हमारी दाल तो बिल्कुल ऐसी सही है, अगर आपको दाल की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली करनी है, चावल के साथ खानी है, तो फिर आप इसमें पानी डाल के और पका सकते हैं, पर हमारे लिए ऐसे ये सही है क्योंकि हमें रोटी के साथ खानी है। चलें आप रेसिपी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने एक अदद बारीक चॉप कर ली थी, एक अदद टमाटर छिलका उतार के बारीक चॉप कर लिया था, ये 2 अदद हरी मिर्च ले ली है, इनको भी हमने बीच में से स्लिट कर लिया है। अब हम चलते हैं भगार की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने तब चूल्हे पे पैन रख दिया है, अब इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। 2 पली तकरीबन ऑयल शामिल करेंगे। और इसमें पहले हम सिर्फ प्याज शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ऑयल में प्याज शामिल कर दिए। प्याज को हल्के पिंक होने तक हम फ्राई करेंगे, फिर इसमें अपने टमाटर शामिल करेंगे। और ये एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गई थी, यहाँ मैंने 1 चम्मच जीरा भी लिया है। जीरा तो आपको पता है भगार में जरूरी डलता है, जीरे के बगैर तो भगार हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं हमारे प्याज पिंक हो चुके हैं, अब हम इसमें टमाटर शामिल, यहाँ मैंने प्याज में टमाटर शामिल कर दिए हैं। अब साथ ही साथ इसमें हम हरी मिर्चे भी डाल देंगे। हरी मिर्चे याद रखिएगा, हमेशा आपने जब भी इसको ऐसे फ्राई करना है तो बीच में से कट जरूर लगाना है, वरना हरी मिर्चे फटने का खतरा होता है। हरी मिर्चे थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे, उसके बाद जीरा शामिल करके भगा हांडिया में डाल देंगे। हरी मिर्चे काफी तक हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें जीरा शामिल करेंगे और अपना भगा हांडिया में डाल देंगे। देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया हमारी दाल के ऊपर और कितना प्यारा भगार लग रहा है। चलते हैं रेसिपी के फाइनल लुक की तरफ। तो ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। देखे, देखने में इतनी मजेदार दाल लग रही है तो कोई खाने से क्यों इनकार करेगा।